नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और कब किसकी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि कौन आदमी राजा बन जाए और या कौन रंक बन जाए, ये भी तय नहीं होता। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका नाता विवादों से है, सियासत से है, रजवाड़े से है और तमाम उन चीज़ों से है जो किसी भी चीज़ को बेहद मसालेदार और चर्चित बना देती हैं। कहते ये भी हैं कि केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ये राज्य राजनीति की दृष्टि से जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट यहाँ के तमाम जो लोग हैं, जो किरदार हैं, उनकी वजह से ही है। यहाँ के चाहे राजनेता हों चाहे यहाँ के लोग हों। यूपी में नेताओं का जब भी जिक्र आता है तो अक्सर कई नाम ऐसे आने लगते हैं जो सियासत को बनाते और बिगाड़ते हैं। ये भले ही सियासत के लिहाज से बहुत बड़े चेहरे न हों, लेकिन उनका होना या ना होना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ऐसे लोगों को कई बार बाहुबली भी कहा जाता है। ऐसे ही नेता हैं, एक बाहुबली नेता जिनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। आप सोचेंगे राजा भैया की कहानी आज क्यों? दरअसल राजा भैया इस वक्त बेहद खास हो रहे हैं, सियासत के लिहाज से बेहद चर्चित हो गए हैं, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, सबको राजा भैया की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हैं और उनके सदस्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने पेंच फंसा दिया है। बीजेपी ने संजय सेठ को आखिरी वक्त में मैदान में उतार दिया और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए थे। पहले लग रहा था कि तीनों निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने एक और कैंडिडेट की घोषणा करके ये निर्विरोध जीत मुश्किल कर दी। अब इसी वजह से जोड़ तोड़ की कोशिश शुरू हो गई है और इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के सामने राजा भैया एक संकट मोचक के रूप में नजर आ रहे हैं। लेकिन राजा भैया केवल इसी वजह से चर्चा में नहीं रहते हैं, बल्कि राजा भैया का इतिहास, किस्से, कहानियाँ सब फिल्मी कहानी से कम नहीं है। राजा भैया के साथ विवाद और मज़ेदार किस्से जितने जुड़े हैं, उतना ही उनका शानदार और चर्चित किरदार भी रहा है। इसलिए आज कहानी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। दरअसल आज़ादी के वक्त देश में 562 रियासतें हुआ करती थीं। इन्हीं में से एक रियासत थी, उसका नाम था भद्री रियासत। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में ये भद्री रियासत आती है और राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर है ये रियासत। आज़ादी के बाद जब देसी रियासतों का भारत में विलय शुरू हुआ तो राजा राय बजरंग बहादुर सिंह भद्री की गद्दी पर बैठे हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी बजरंग बहादुर सिंह ने ही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और बाद में वो हिमाचल के राज्यपाल बन गए थे। भद्री के नरेश बजरंग बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने भतीजे उदय प्रताप सिंह को गोद में ले लिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दून स्कूल में उदय प्रताप सिंह पढ़े थे और RSS और विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा भी रहे थे। 31 अक्टूबर 1967 को उदय प्रताप सिंह के घर में एक बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया रघुराज प्रताप सिंह। राजाओं के खानदान में पैदा हुआ था, रियासत थी, इसलिए रघुराज प्रताप सिंह के साथ नाम लग गया राजा भैया। पिता थे भद्री रियासत के राजा। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ था। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के उत्तराधिकारी बने थे, यानी रघुराज प्रताप सिंह चांदी के चम्मच लेकर ही पैदा हुए और उनकी दबंगई उनके खून में थी। राजा भैया की तरह उनके पिता का कद भी प्रतापगढ़ में काफ़ी ऊंचा रहा, काफ़ी चर्चित थे और हमेशा खबरों में रहते थे। खासकर जब इंदिरा गांधी का शासन था तो उदय प्रताप सिंह काफ़ी चर्चा में रहे। दरअसल उदय प्रताप की भद्री रियासत प्रतापगढ़ में जो है कांग्रेस की पारंपरिक गढ़ रायबरेली से बहुत करीब है और इसीलिए इंदिरा गांधी की इस इलाके में खासी दिलचस्पी हमेशा रही। 1974 में राजा भैया के पिताजी उदय प्रताप सिंह ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। ये बात तब दिल्ली तक पहुंची। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की एक टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी। कहते हैं तब से लेकर आज तक राजा भैया के परिवार की कांग्रेस से दूरी ही रही और ये बहुत बड़ी वजह थी। कांग्रेस से अलगाव की एक वजह और भी थी, उदय प्रताप सिंह RSS से जुड़े हुए थे। हालांकि राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, उनका कांग्रेस से अच्छा तालमेल था, लेकिन उदय प्रताप सिंह
और राजा भैया का कांग्रेस से कभी अच्छा तालमेल नहीं रहा। राजा भैया बेशक शाही परिवार से रहे और उनके परिवार की राजनेताओं से हमेशा नजदीकियां रहीं, लेकिन उनके पिता कभी कोई भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए। राजा भैया ने 1993 में पहली बार राजनीति में कदम रखा। कहते ये भी हैं कि राजा भैया के पैदा होने से पहले ही उनके पिता के गुरु थे देवराहा बाबा, उन्होंने बेटा पैदा होने की भविष्यवाणी कर दी थी, इसीलिए ताउम्र वो और राजा भैया खुद भी देवराहा बाबा को मानते रहे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता भी देवराहा बाबा के सामने सिर झुकाते थे। राजा उदय प्रताप सिंह एक बार अपनी पत्नी के साथ देवराहा बाबा के आश्रम में देवरिया गए, तभी उन्होंने उदय प्रताप को यह बताया कि जल्द ही उनके घर में एक बेटा होगा। राजा भैया का नाम रघुराज प्रताप सिंह खुद बाबा देवराहा ने ही रखा था, और बाबा ने सबसे पहले उन्हें राजा बुलाना शुरू किया क्योंकि वो राजाओं के खानदान में पैदा हुए और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि तुम राजा की ही तरह रहोगे। लिहाजा तब से राजा भैया किसी भी बड़े काम से पहले देवरिया के आश्रम में ज़रूर जाते हैं, देवराहा बाबा को मानते हैं और उन्हीं की तमाम चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। राजा भैया की पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर इलाहाबाद में हुई। सबसे पहले नारायणी आश्रम में उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया, बाद में इलाहाबाद के स्काउट और गाइड स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी राजा भैया ने पढ़ाई की और वहाँ से ग्रेजुएशन किया। राजा भैया को बचपन से ही राजाओं वाले शौक भी थे, घुड़सवारी का काफ़ी शौक था, इसीलिए आज भी खाली वक्त में राजा भैया ज़्यादातर घुड़सवारी करते हैं। इसके अलावा निशानेबाजी, इसके अलावा और दूसरे खेलों में भी राजा भैया की वैसी ही रुचि है। राजा भैया को एक और शौक़ है, वो ये कि वो एयरक्राफ्ट उड़ाने का बहुत शौक रखते हैं। एक बार प्लेन उड़ाते उड़ाते राजा भैया बाल बाल बचे, लेकिन फिर भी ये शौक़ राजा ने कभी नहीं छोड़ा और उसी का नतीजा ये है कि जब भी उनको मौका मिलता है आज भी एयरक्राफ्ट उड़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद राजा भैया की शादी बस्ती की राजकुमारी भानवी सिंह से हुई और दोनों के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। बेटों का नाम शिवराज सिंह और ब्रजराज सिंह, जबकि बेटियाँ राघवी और ब्रजेश्वरी। बेशक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया राशि ठाठबाट के साथ रह रहे थे, लेकिन उनकी रुचि राजनीति में थी। राजा भैया के राजनीतिक जीवन की बात अगर करें तो उसकी शुरुआत होती है 1993 से। इसी साल पहली बार राजा भैया ने प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और उस वक्त कांग्रेस के नियाज हसन उस सीट पर दबदबा रखते थे। नियाज कुंडा से 6 बार जीत चुके थे, लेकिन इस बार उनका पाला रघुराज प्रताप सिंह से पड़ने वाला था। 26 साल के उस वक्त राजा भैया थे, न अकेले सिर्फ लड़े बल्कि निर्दलीय लड़के नियाज हुसैन को चुनौती दी और जीत गए। राजा भैया पहली बार कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार में 1999 में स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बने, युवा कल्याण के मंत्री बने। इसी दौरान राजनाथ सिंह के बेहद करीब होने की वजह से राजनाथ सिंह का आज भी उनको खास माना जाता है। 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया समाजवादी पार्टी में मिल गए और खाद्य और रसद के मंत्री बन गए। ये वो दौर था जब राजा भैया का कद धीरे धीरे बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश में उनकी दबंगई के जलवे थे, एक तरफ वो सियासी ताकत बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ अपराध से भी नाता खत्म नहीं हो रहा था। कहा यह जाने लगा कि राजा भैया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, कई मामले जो उनके सामने आते हैं उनका फैसला रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपनी रियासत के महल में करते हैं और वो जो फैसला करते हैं उसके बाद कोई उसको टाल नहीं सकता। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह के बुरे दिन शुरू हुए तब जब मायावती की सरकार आई। 2002 में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इसी दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लग गया। राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई शुरू की गई और 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से पोटा का कानून हटा दिया गया। उनकी बेटी कोठी में छापेमारी भी की गई। बाद में इस तरह की अफवाहें भी सामने आई कि उनके आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले हैं। इस तालाब को लेकर कई किस्से कहानियां भी जुड़े हुए हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई कि तालाब में मगरमच्छ रखे गए हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए इसी तालाब में डाल देते हैं और मगरमच्छ उनकी लाश को सफा चट कर जाते हैं। एक बार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने राजा भैया पहुंचे, उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए। रघुराज प्रताप को लालू यादव से मिलवाया गया, फिर राजा भैया वहां से निकल गए। तब लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा, क्या ये वही राजा भैया है जो अपने आंगन में तालाब में मगरमच्छ पालते हैं, फिर क्या था? चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापस अंदर बुलवा लिया और लालू यादव को अपने ही अंदाज में राजा भैया से सवाल पूछने दिया।
कहते हैं उस वक्त लालू ने अपने अंदाज में राजा भैया से पूछा, क्यों जी ये मगरमच्छुआ सही में पाले हैं या गलत बात है? ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंसने लगे। राजनीति का ये किस्सा बेहद मजाक में हो, लेकिन इससे पता चलता है कि राजा भैया को लेकर कितने किस्से, कहानियाँ और विवादित बातें सामने लगातार आती रहती हैं। लेकिन राजा भैया की जो मायावती की सरकार में मुश्किल शुरू हुई थी वो कभी खत्म नहीं हुई। 2010 में मायावती की सरकार के दौरान राजा भैया एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे गए। इस बार उन पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा। हालांकि 2011 में वो बाहर आ गए। 2012 में अखिलेश सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन एक बार फिर से उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लग गया। 2013 में उन पर हत्या का आरोप लगा। राजा भैया का नाम प्रतापगढ़ के DSP जियाउल हक के मर्डर में सामने आया। इस घटना के बाद उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की CBI जांच हुई और CBI ने राजा भैया को बाद में क्लीन चिट दे दी। लेकिन DSP की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किया कि CBI ने एक बार फिर मामले में लीपापोती की है, इसीलिए इसकी जांच फिर से शुरू की जाए। और इस मामले में आज भी राजा भैया के खिलाफ जांच चल रही है। रघुराज प्रताप सिंह पर अगर क्राइम की बात की जाए तो लगभग 47 केस दर्ज हैं। कई में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन कई मामले आज भी बने हुए हैं। इसके बावजूद राजा भैया आज के समय में राजनीतिक कद के रूप में बहुत ही मौजूद बने हुए हैं। यानी उनकी खासियत, उनकी ज़रूरत, उनका कद आज भी सियासी पार्टियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो भी तब जब राजा भैया लगातार निर्दलीय लड़ते रहे हैं। किसी पार्टी के चुनाव पर चिन्ह पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, खुद के दम पर जीत हासिल की। खास बात यह भी है कि राजा भैया अपने चुनाव प्रचार के लिए कभी खुद नहीं जाते, न ही उनके पिता उनके चुनाव का प्रचार करते हैं, बल्कि अपनी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में वो प्रचार करने जाते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि राजा भैया को उस इलाके में कोई हरा ही नहीं सकता। 2018 में रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से अपनी पार्टी बना ली और 2022 में पहली बार इस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की तरफ से उतरे। इससे पहले राजा भैया हमेशा निर्दलीय रहते थे। राजा भैया की पार्टी को कुंडा के अलावा इस बार बाबागंज सीट से भी जीत मिल गई। हर बाहुबली नेता की तरह राजा भैया की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक वर्ग उनको गरीबों का मसीहा मानता है, तो कानून की नज़रों में कई जगह पर वो गुनाहगार भी हैं। कुंडा में राजा भैया कई तरीके के अपने काम भी करते हैं, जिसमें वो गरीबों को मदद करना, उन लोगों को न्याय दिलाना या उन लोगों के मामले निपटाना, ये सब कुछ होता है। आज भी उनके जो घर है उसके बाहर तमाम लोग अपनी फरियाद लेकर के आते हैं ताकि वो उनके मामले का निपटारा कर सकें। इन सब के बीच राजा भैया लगातार विवादों में कई वजहों से घिरे रहते हैं। जिन भानवी सिंह के साथ उनकी शादी हुई उनके साथ उनका विवाद जग जाहिर है। भानवी सिंह ने एक के बाद एक आरोप राजा भैया पर लगाए। राजा भैया ने भी उनका जवाब तो दिया, लेकिन वो उस तरीके से सामने नहीं आया जिस तरह से भानवी सिंह लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रही थी। तमाम बातें मीडिया में सुर्खियां बनी, अदालत तक मामला गया और वो तलाक का मामला आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इन सब के बीच, चाहे परिवार कलह हो या कोई और विवाद हो, लेकिन इन सब के बीच आज भी एक बात तय है कि उस इलाके में राजा भैया को कई मायनों में लोग पूछते हैं। उसकी वजह यह है कि कहा जाता है कि राजा भैया से या तो लोग खौफ खाते हैं या फिर राजा भैया से प्यार करते हैं। राजा भैया को मानने वाले लोग वो हैं जिनकी किसी न किसी तरीके से राजा भैया ने मदद की है। ज़्यादातर गरीब, दबे कुचले उस इलाके के लोग हैं जिनके लिए राजा भैया दिन रात खड़े रहते हैं। विरोधी वो लोग भी हैं जिनसे सियासी दुश्मनी है या फिर उनके रास्ते में बिजनेस के चलते या किसी और वजह से राजा भैया सामने आते हैं। विवादों और चर्चाओं के दौर में हमेशा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का नाम रहा, लेकिन ताज़ा हालात में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि राजा भैया आखिरकार किस ओर बैठेंगे। क्या BJP का दामन थामने की कोशिश करेंगे जिससे उनको मदद कर सकें, या समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से सपोर्ट करेंगे? फिलहाल जोर आजमाइश दोनों तरफ से है। नरेश उत्तम, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राजा भैया से मिल चुके हैं। अखिलेश यादव से राजा भैया की मुलाकात हो चुकी है और कहा यह भी जाता है कि दिल्ली में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने BJP के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। यानी कि अभी यह साफ नहीं है कि आखिरकार किसकी तरफ राजा भैया जाएंगे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में दोनों लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हो गए हैं राजा भैया। शायद रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की यही खासियत है कि सालों साल तक निर्दलीय लड़ने के बाद न सिर्फ वो मंत्री बने, बल्कि आज की तारीख में भी जब गला काट प्रतियोगिता हो रही है राजनीति में,
तब भी रघुराज प्रताप सिंह का नाम गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है सियासत में जरूरी बनकर। तो आज की कहानी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की, जो कि भद्री रियासत के राजा कहलाए जाते थे और जिनकी अपनी एक तरीके से पहले सरकार चलती है, विवादों और चर्चाओं में हमेशा जिनका नाम रहा, और आज की तारीख में कई सियासी पार्टियां उनकी तरफ देख रही हैं कि शायद राजा भैया मदद कर दें तो उनकी राज्यसभा की सीट निकल जाए। अगली बार फिर किसी चर्चित हस्ती या खास खबर के साथ, खास कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।